आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेहद आसान तरीका किसी लड़की को अपने वश में करने का। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं किसी लड़की को लेकिन अपने मन की बात उसे नहीं बता पा रहे हैं, तो आज आपको बताते हैं बेहद आसान तरीका ये कार्य करने का। जी हाँ, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए आम के पत्तों की जरूरत। जी हाँ, आपको आम के पत्ते चाहिए और आम के पत्तों पर आपको लिखना होगा उस लड़की का नाम जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। उस लड़की का नाम आपको लिखना है चंदन से, और इस्तेमाल करनी है आपको अनार की लकड़ी। अनार की लकड़ी को इस्तेमाल करते हुए आपको चंदन पाउडर से चंदन का लेप बना लीजिए और उस लड़की का नाम उस पत्ते पर लिखिए। आम के पत्ते आपको लेने हैं चार। इन चारों पत्तों पर उस लड़की का नाम लिखिए, एक तरफ लड़की का नाम लिखिए, एक तरफ अपना नाम लिखिए। जब आप ये लिख चुके होंगे उसके बाद आपको ये मंत्र 108 बार पढ़ना है। जी हाँ, किसी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहाँ पर आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। उसके बाद आपको इन मंत्रों का उपयोग करना है और शुक्रवार की रात को आपको इसे सिद्ध करना है। शुक्रवार की रात को ऐसी जगह पर बैठें पूर्व दिशा में मुंह करके और मंत्र का उच्चारण करें। ये मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का इस्तेमाल करके आप किसी भी लड़की को अपने वश में कर पाएंगे, वो भी आम के पत्तों का इस्तेमाल करके। तो आम के पत्तों पर जब आपने नाम लिख लिया होगा उसके बाद आपको इस मंत्र का इस्तेमाल करना है। शुक्रवार की रात को इसका इस्तेमाल करें, 108 बार मंत्र का जाप करें और शनिवार के दिन इन पत्तों को बहते हुए पानी में बहा दें। पीछे पलट कर ना देखें और अपने घर आ जाएं। अगले दिन जब आप उस लड़की से मिलेंगे तो फिर से आपको 108 बार इस मंत्र का ही जाप करना है और उसके बाद आपके वश में वो लड़की होगी। याद रखें, ये मंत्र 24 घंटे के लिए कार्य करता है। आपने जब इसे सिद्ध किया उसके बाद 24 घंटे तक ये आपकी मदद करेगा। किसी भी गलत भावना से इसका इस्तेमाल ना करें वरना इसका उल्टा असर हो सकता है। तो दोस्तों, अपनी सभी समस्याओं के लिए कॉन्टैक्ट करें आदित्य योगी जी को। उनका नंबर है +91 7374 9814 11।